साहब यहाँ पर मैं कूदने वाला हूँ। हनुमान जी के नगरी आए हैं तो कूद पान नहीं करेंगे तो आने का फायदा ही क्या होगा। अरे ये तो मैंने बता दिया, मैं आया हूँ अभी किष्किंधा हम्पी, जो हम्पी का यहाँ से पूरा व्यू आपको दिखाता है। आपको यकीन नहीं ना हो रहा है ना, चलो आपको दिखाता हूँ। पहले ही इसमें फांता हूँ मैं, डर लग रहा है, छोड़ देता हूँ यार। भाई साहब आ गया हूँ अंजनी पर्वत, हनुमान जी का जन्म स्थल, और आपको यार यहाँ से सनसेट व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, बहुत ज़्यादा। अभी हालांकि सनसेट नहीं हो रहा है, अभी बज रहा है 4 और 6 बजे होता है, तो 6 बजे मेरा ये नदी पार करना है मुझे, ठीक है ना। ये नदी पार करके मुझे जाना है हम्पी। यहाँ से हम्पी का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पहाड़ यही है अंजनी पर्वत, हनुमान जी का किष्किंधा इज हम्पी, ऑल हम्पी का पूरा अद्भुत नज़ारा। ये सनसेट थोड़ा धूप गए बादल से ढक गया है, नहीं तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है सनसेट। दर्शन कर लिया है मैंने, यहाँ से नीचे उतरूँगा, वो रहा स्टेशन, वहाँ से मैं पकड़ूँगा टेम्पू और जाऊँगा वापस रिटर्न। दरअसल यार मुझे मेरा फेरी वाले से लड़ाई झगड़ा हो गया यार, उसकी वजह से हुआ है यार। उसने पता क्या मुझसे कितना रुपए ले लिया, 50 रुपए यार। उसने कहा था कि 20 रुपए लेते हैं, 20 रुपए एक बंदे का। भाई साहब मुझसे मैं गया, उसने मैंने कहा मेरे पास कैश नहीं था, मेरा पर्स जो था वहाँ पे था यार, उसने 30 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया। मैंने कहा मेरे पास वीडियो भी आप देख सकते हो यार खुद, तो बाद में कह रहा था भाई तेरा कैमरा कुमरा फेंक दूंगा। मैंने कहा कि ऐसे कैसे फेंक दोगे, तो उसके बाद मैंने झूठ मूठ का जो डाउनलोड मैंने पहले से किया है वीडियो, वो कह रहा था वीडियो डिलीट कर। मैंने कहा भाई मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया ही नहीं, ऐसे मैंने ऑन किया था, ऐसे मैं दिखा रहा था कि डर जाता हूँ, है ना। मैंने ऐसा ही कहा कि ऐसे मैंने किया था कि क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ रहा था 50 रुपए देकर। यार आप ही सोचो कि आप अगर जो 10 रुपए 20 रुपए मुझे दोगे, मैं आपसे चीटिंग करके लूँगा तो आपको कैसा लगेगा। वैसे ही मुझे भी लगा था, तो यार मैंने कहा कि भाई वीडियो तो मैंने बनाया नहीं है, और देख सकते हो मैंने कैमरा और मोबाइल से कनेक्ट किया, तो डाउनलोड जो था वही मैंने दिखाया, इसका जो रिकॉर्ड हुआ वो नहीं दिखाया। उसने कहा कहाँ पर कंप्लेंट करोगे, मैंने कहा भाई है ही नहीं तो कंप्लेंट किसके पास करूँगा, बहुत पंगा हो गया भाई। पर यहाँ पे यार अद्भुत है बहुत ज़्यादा, आप लोगों को मैं हर एक जगह जाओ पर इस जगह भी जरूर आओ, जिस जिस वीडियो पे मैंने बताया, यहाँ पे भी आपका ऐ दिल खुश हो जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू है, बहुत ज़्यादा। हाँ यार हम्पी घूमो, हम्पी में आपको सस्ता ही सस्ता मिलेगा, हर एक चीज़ सस्ता आपको। दरअसल अगर जी आप ज़्यादा तो लोग कहते हैं 500-600 होटल मिलेगा, पर खटारा सा होता है यहाँ पे, घर में ही अपने घर में रुकाते हैं, होटल तो यहाँ पे है ही नहीं, अपने घर में रुकाते हैं। तो जो रुकाते हैं उनसे कहो कि भाई मुझे 200 रुपये मुझे, मैंने वैसे कल जिस अंकल से कहा था उसने 200 रुपये हो गया था, पर एंट्री थी उसके वजह से 250-50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा, 2 दिन रुक गया हूँ, 500 रुपये भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो मैं वहाँ पे रुका हूँ, 250 रुपये में आपका पूरा फुल हो जाएगा। खाना आपको कितना रुपए का चाहिए, मैं कहता हूँ कि आप खाना खाओ ही मत, सही है गलत, गलत है ना। तो आपको मैं सही इसको करके दिखाता हूँ, खाना आप खाओ कहाँ पे, तो 12 बजे लंगर स्टार्ट होता है वहीं पे, बंकेटेश्वर स्वामी टेम्पल। आप हॉस्पिटल से बस स्टैंड जाओगे, बस स्टैंड से आप कहोगे हम्पी जाना है, हम्पी बस स्टैंड उतारेगी, वहाँ पे सामने रहा मंदिर, वो वाला मंदिर है, वहाँ से आपको उधर ही आसपास में आप लॉज खोजेंगे, वहाँ पे लॉज भी मिल जाएगा। आसपास में खाना खाओगे तो 30-40 रुपये 50 रुपये, मतलब 100 रुपये कन्फर्म है कि खर्च होगा, बट अगर जी आप चाहो तो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मैंने कल 100 रुपये खर्च किया था, 100 रुपये, तो इस करके मैं आप लोगों को बजट से मतलब सस्ता से भी सस्ता होटल बता रहा हूँ, जहाँ पे लेटरिन बाथरूम भी नहीं जाना, आपको कितना सस्ता चाहिए उतना ही। पर यहाँ पे है, घर में अगर जब आप रहोगे तो 200-250 रुपये में आपका फुल हो जाएगा, खाना आपका 500-600 रुपये में हो जाएगा अगर खाना चाहो तो।
वैसे आपको कहाँ क्या है? यहाँ पे इडली डोसा डोसा सांभर आपको मिलेगा 30 रुपये का। 30 रुपये में आपका अगर जो हो जाए तो हो जाए, नहीं तो मंदिर है कि 12 बजे खुलता है, तो 12 बजे सुबेर से ही खुल जाता है, 12 बजे लंगर लगता है। शाम को तो मुझे पता नहीं, शाम को खाकर बताऊँगा, 6 बजे जाऊँगा तो खाऊँगा तब मुझे मालूम। यहाँ से मैं लूँगा अब नाव तो ठीक है, अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन। तो मुझे नहीं लगता, तो रहने दो यार, यहाँ का ये सचमुच कह सकते हैं कि भाई बजरंगबली का जन्म स्थान हम्पी में है, मानना पड़ेगा भाई। ये पहाड़े देखकर यार, सब सूखी सूखी पहाड़ है, एक तो हरियाली है पर थोड़ी बहुत है, पर पहाड़ देखो कितने अच्छे अच्छे हैं यार। इसको पहाड़ कैसे कह सकते हैं यार, पहाड़, ये पत्थर कहाँ से आया समझ में नहीं आ रहा है मुझे। पहाड़ होता है जो, पहाड़ किसको कहते हैं जो मतलब पूरा एक सिंगल पत्थर हो, पर इस पहाड़ को यार पहाड़ कहेंगे हम ये सब पहाड़ जो है, क्योंकि यार पत्थर जो टुकड़े 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 हैं, टुकड़े टुकड़े हैं, समझ में नहीं लग रहा है कि ये कैसा पहाड़ है, ये कैसे आया, कैसे कैसा पहाड़ है मुझे अभी नहीं मालूम। वैसे मैं अपने आप से सवाल कर रहा हूँ कि यार कैसे हो सकता है। आकर बहुत अच्छा लगा। तो भाई साहब अब जाने का टाइम हो गया, सनसेट तो अभी नहीं होगा, हालांकि 5-6 बजे जाकर होगा, जो कि मेरे लिए सही नहीं है। यहाँ पे एक किश्ती चल रही थी, वो वाली बोट वाली, मुझको जाना था उस पार, क्योंकि उससे तो मेरा बहस हो गया है, अब कैसे जाऊँगा मुझे भी नहीं पता। मिलता हूँ अभी, चढ़ने को तो चढ़ गया मैं इसके ऊपर, ठीक है ना, वहाँ से कूदा यहाँ पे आया, पर नीचे उतरने में भाई हालत खराब, उधर जाने में हालत खराब हो रहा है मेरा, डर लग रहा है भाई मुझे तो, क्या करें। चलो मिलता हूँ। अच्छा वीडियो भी बना दो। उधर का भी लो, और अंकल कैसा लगा यहाँ पे आए? मेरा शहर नहीं, मैं अभी घूमने के लिए आया हूँ। आप कहाँ से आए हो? पंजाब से आए, मध्य प्रदेश से आए हैं, और से। अच्छा कैसा लगा यहाँ पे हम्पी में? बढ़िया, नेचुरल व्यू। इस जगह का नाम क्या है? हम्पी। हम्पी, और इस मंदिर का नाम? इसका अंजनी भगवान पार्वती, अंजनी पर्वत, अंजनी पर्वत है ना। ओके अंकल, ओके भाई, धन्यवाद भाई साहब। कोई बंदा आता है ना इतने दूर से, तो कोई फोटो नहीं देखता है कि भाई किसी से फोटो खिंचवाऊं, कोई फोटो खींचने में कंजूसी करता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है जल्दी करो। तो यार मुझे उसमें बहुत मजा आता है किसी को फोटो खींच कर उसको देना, क्योंकि यार इतना दूर किस लिए आया है, यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए आया है, दर्शन करने के लिए आया है। इस करके मैंने अंकल को फोटो खींचा, पूरा 10 मिनट लगा और अच्छा लगा मुझे उनका भी फोटो खींचा। देखो भाई सब नारियल फेंक दिया, उनको छील कर और किसी को दे देते जो जिनको नहीं मिलता है, पूरा नारियल ऐसे ही फेंक दिया। सफाई कर रहे हैं ये लोग। अरे भाई ये हम कंट्रोल, मैं कौन से
भाई साहब एक और बात बतानी है आप लोगों को। यहाँ पे आपने देखा हनुमान जी का जन्म हुआ है, खेला कूदा इन्होंने, और आपको पीछे लेकर चलूँ तो और पीछे तो आप देखोगे हिमाचल में जहाँ पे मैं गया था अंजनी महादेव टेंपल, अगर जो किसी ने नहीं देखा है तो वरदान स्वरूप अंजनी माता ने वहाँ पे हनुमान जी श्री बजरंग बली को उन्होंने प्राप्त किया था शंकर भगवान से, तपस्या वहाँ पे की थी और जन्म भूमि जो है यहाँ है। हालांकि वहाँ पे उन्होंने दिया था आशीर्वाद, वहाँ पे उनको मिला, बजरंग बली जी मिले वहाँ पे, यहाँ पे उनका जन्म है, जन्म स्थल इस जगह पे। और क्या कह सकते, बहुत ही खूबसूरत है भाई भी यहाँ का। अगर जी मैं शाम तक अब रहता तो सनसेट अभी तक अब हो रहा है, हालांकि मैं नीचे आ गया हूँ, अब जाने का टाइम हो गया 6 बजे, जो फेरी है बंद हो जाता है तो